क्यों यहाँ लड़कियाँ कोख में मार दी जाती है? क्यों यहाँ लड़कियाँ कोख में मार दी जाती है? ऐसा नहीं कि बाप से बेटी पाली नहीं जाती है, ऐसा नहीं कि बाप से बेटी पाली नहीं जाती है। नजरिया बाप का नहीं जमाने का खराब है साहब, नजरिया बाप का नहीं जमाने का खराब है साहब, जो होनहार छोरियाँ देखी नहीं जाती है। ये देवियों का देश है, ये देवियों का देश है, जहाँ नवरात्र पर दो बार कन्या पूजी जाती है और अक्सर गालियों में वही माँ बहन ली जाती है। क्यों यहाँ लड़कियाँ कोख में मार दी जाती है? क्यों यहाँ लड़कियाँ कोख में मार दी जाती है? तो सेकंड अंतर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ 5 महीने की बच्ची भी हवस का शिकार बन जाती है, क्योंकि यहाँ 5 महीने की बच्ची भी हवस का शिकार बन जाती है। जब स्कूल जाती है तो माँ साहब से हवस झेली नहीं जाती है, जब 18 की होती है तो लड़कों की जवानी का शिकार बन जाती है। वो दहेज से नहीं डरता साहब, वो दहेज से नहीं डरता साहब, हवानियत के डर से लड़कियां घर के बाहर नहीं भेजी जाती है। क्यों यहाँ लड़कियां कोख में मार दी जाती है? क्यों यहाँ लड़कियां कोख में मार दी जाती है? क्योंकि ऊंचे वर्ण की लड़की काश्य भी लाए, क्योंकि ऊंचे वर्ण की लड़की काश्य भी लाए तो पलकों पर रखी जाती है, और गरीब की शावली बेटी अगर 6 गोल्ड भी जीत कर लाए तो मीडिया दिखा नहीं पाती है। अजीब सा सिस्टम है साहब, अजीब सा सिस्टम है साहब। दिखने में और जात से अच्छी लड़की ऊंचे दर्जे पर, दिखने में और जात से अच्छी लड़की ऊंचे दर्जे पर, और एक मेहनती गरीब को बढ़ाने में इनकी इंसानियत मर जाती है। क्यों यहाँ लड़कियाँ कोख में मार दी जाती है? क्यों यहाँ लड़कियाँ कोख में मार दी जाती है? और अंतिम पैराग्राफ बस यहाँ से समाप्त करूँगा। क्यों यहाँ लड़कियाँ कोख में मार दी जाती है? कारण ये नहीं कि गरीब की छोरी जुबान ऊँची नहीं कर पाती है, कारण ये नहीं कि जो गरीब की छोरी जुबान ऊँची नहीं कर पाती है, चंद अमीरों का वो आराम नहीं बन पाती है, चंद अमीरों का वो आराम नहीं बन पाती है। बेड़िया सिस्टम में कम या सोच में ज़्यादा है साहब, बेड़िया सिस्टम में कम या सोच में ज़्यादा है साहब, इसलिए यहाँ छोरियाँ पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है।